एक से दो लाख बन जाते होंगे ना इंडिया रुपीज में। तो गाइस देखिए, दो से तीन लाख सर कमाते हैं, एक से दो लाख, पर मेहनत है, मैं ये नहीं कहूँगा। देखो सेफ्टी शूज़ भी पहनने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मेहनत तो देखो है हर काम में। और यही लड़का जो इंडिया 50,000 कमाता था सुपर काम, आज अपनी वाइफ को लेकर या 5 से 6 लाख कमाता है। पर आई एम वेरी मच हैप्पी। क्या आप एजेंट थ्रू आए कि ऑनलाइन अप्लाई कर आए थे जॉब साइट से? बहुत सारे भारतीयों ने मुझसे पूछा, गैरी सर एक सुपरमार्केट में जाइए, बता कीजिए न्यूजीलैंड में कैशियर की, वेयरहाउस की, पैकेजर की, फोकलिफ्ट ड्राइवर, इवन की लड़कियों के लिए कौन कौन से जॉब है और कितना पैसा बनता है और डे टू डे जॉब क्या करनी होती है। इसके लिए आज मैं आपको न्यूजीलैंड की टॉप सुपरमार्केट में लेकर जाऊंगा और वहाँ दिखाऊंगा आप जैसे एक लड़का और लड़के जो हरियाणा से आए हैं और जो वहाँ पर 40,000 नहीं कमा पाते, वो कैसे हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर मिलकर 5 से 6 लाख छापते हैं और दोनों ही एक ही सुपर में काम करते हैं। वो देसी बंदा एंड बंदियाँ हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए कैमरे के सामने आ रहे हैं। पर गाइस आपने वीडियो देखो के लाइक और कमेंट करना है, बिकॉज मैं आपके कारण आया हूँ 65th कंट्री और आपको तो मेरे पास कंपेनियन वाउचर साइट पर दिखाया जा रहा है और आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट ट्रिप USA फ्री जा सकते हो। तो गाइस वीडियो को दिल खोल के लाइक और कमेंट कीजिए। आपका नाम क्या है मैम, पहले आप बताओ। मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी मोहिनी मोहिनी। और आपका नाम सर क्या है? विक्रम। विक्रम है सर आपका नाम। विक्रम, आप दोनों यहाँ पर जो शॉप में काम करते, आप तो टिल में कैशियर में काम करते हो देखा है, और आप फोकलिफ्ट चलाते हो, कब से न्यूजीलैंड में आए हो? अराउंड हो चुके हैं 5 to 6 months हो चुके हैं। किस वीजा पर आए थे आप यहाँ? हम वर्क वीजा पे आए थे इंडिया से। कौन सी स्किल पर आए थे? हम यहाँ पे मैंने पहले सुपरवाइजर का काम किया हुआ है ग्रोसरी स्टोर में इंडिया में। इंडिया शाबा, वही सेम यहाँ पे आके कर रहा हूँ मैं। ओके ग्रोसरी। और आपकी वाइफ आप पर डिपेंड हो रही है? हाँ जी। आप वीजा आपने लिया, डिपेंड हो कराएंगे। तो आप 5-6 महीने में यहाँ पर काम करें, और आप मुझे पता है ये फोकलिफ्ट ड्राइवर जो यहाँ पर है काफ़ी अच्छी स्किल है, सीखनी पड़ती है वेयरहाउस में काम। तो आप ये फोकलिफ्ट ड्राइविंग इंडिया सीखी थी कि यहाँ का सीखी है? वेल ये मैंने इंडिया में ही सीखी थी। ओके यहाँ पे आके मैंने दोबारा से लाइसेंस वगैरह अप्लाई किया अपना, वहाँ का लाइसेंस यहाँ पे आके कन्वर्ट करवाया है। कन्वर्ट करवाना है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा पहले, सबसे पहले कि आप यहाँ वर्क परमिट पर आए हैं और आप यहाँ उसको, क्या आप एजेंट थ्रू आए कि ऑनलाइन अप्लाई कर आए थे जॉब साइट से? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो उसके बाद हमने मतलब कि कॉन्टैक्ट किया था नीएच से, हमने ऑनलाइन देखा था रिक्वायरमेंट इनके पास क्या हुई, तो हमने कॉन्टैक्ट किया था फिर ऑनलाइन। जो सारी गाइस आपको सारी वेबसाइट दिखाई जा रही है, सीख है, जो भी है, ट्रेड डॉट न्यूजीलैंड, इंडीड एंड लिंक्डइन, यहाँ जाइए। लड़के के पास एक्सपीरियंस था इंडिया में और इसलिए यहाँ पर जॉब अप्लाई की। और देखो आपके साथ एग्जाम्पल मैम की भी इंटरव्यू लेंगे, तो यहाँ पर काम करते, ये नंबर 1 सुपर मार्केट है। क्या नाम है सुपर मार्केट आपके यहाँ पर? हमारे सुपर मार्केट का नाम है नीएच सुपर मार्केट। और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पे अराउंड यहाँ का स्टाफ अराउंड 10 के अराउंड है। 10 के अराउंड है। और दूसरी ब्रांचे भी है हमारी दो, एक फ्लैटबश में है और एक न्यू ओपन होने वाली है पापापुरा में। पापापुरा, तो वहाँ पर भी 10-15 लोग होंगे ना? यस। और यहाँ पर किस किस की डिमांड है? एक तो वेयर हाउस आपकी होगी, फोकलिफ्ट, एक कैशियर की होगी, और क्लीनर की भी डिमांड होती है? क्लीनर की भी डिमांड होती है, पैकेजर की होगी, पैकेजर की होगी, एंड वेजी में जो हमारे यहाँ पे फ्रूट को मतलब की अच्छे से मेंटेन करने वालों की, चिलर को मेंटेन करने वालों का। ओके वो सब अलग अलग है। और यहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाती है जॉब पर जब आते हैं? नए सिखाते हैं काम? पहले वो सिखाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, जो एक्सपीरियंस वालों को ही यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, मैं 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास? कितने साल का एक्सपीरियंस है इंडिया? हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एक्सपीरियंस है वहाँ पर। एवरेज रेंज कितने पैसे बन जाते हैं फोकलिफ्ट के, अगर 2 से 3 लाख या रेंज बता दीजिए रफली? अराउंड यही है 2 से 3 लाख रुपए बन, 2 से 3 लाख बन जाता है। और आपकी जॉब कितने घंटे की है यहाँ पर? मेरी यहाँ पे 6 घंटे की जॉब। 6 घंटे की जॉब। आप कहीं और भी काम करते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे यहीं पे मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहीं पे। ओके गुड, शाबाश हुआ यहाँ जी अंकल। गुड। और आप रहते कहाँ है? मतलब पास में रहते हैं? यहीं पे पास में 1 किलोमीटर यहाँ से सत्यनारायण मंदिर है, उससे पास में हम रहते हैं। तो कितना खर्चा है आपका और आपकी वाइफ, आपकी तरफ आता मैम, कितना खर्चा सर आप? 400 के अराउंड वीकली आ जाता है। बिल्कुल सर, डालो कर, बिल्कुल डालकर सारे खाना को डालकर भी वीकली है, ये वीकली आ जाता है। तो रफली $1,600 आ जाते हैं आपके, क्योंकि ये आप अपना अलग रह रहे हो वाइफ के साथ ना? सेपरेट बिल्कुल सेपरेट है। तो मतलब कि आप खुश हो, मतलब कि ना फ्रेंड्स? और इंडिया में एवरेज सैलरी कितनी थी आपकी? चलो याद होती है अराउंड 50 के अराउंड लग जाती। और इंडिया में हरियाणा कहाँ से है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र सबसे फेमस सिटी है मेरी। और डिसीजन दोनों में से बाहर आने का आपने लिया था कि आपने लिया था? जॉब ने लिया था पैसे मैंने तो आप फॉलो का इंटरेस्ट नहीं था यहाँ आने का बिल्कुल भी। हाँ, तो ये हमने फिर मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे 50,000 कुछ भी नहीं मिलती यार। बिल्कुल वहाँ पे वो भी था ना कि बहुत बेरोजगारी हो चुकी है इंडिया में अभी, तो वाइफ जॉबलेस थी, तो इनके लिए फिर मेरे को भी लगा कि इनको भी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में है कि अगर पार्टनर उसी बैठा है तो घर का चलाना बहुत मुश्किल रहता है। अगर दोनों में मिलकर कमाए
तो इकट्ठे आते हो ना दोनों, बिल्कुल टाइम वाइज से देखते भी इकट्ठे आते हो और एंजॉय भी करते हो। और ये इनके ओनर है, मेरा तो बहुत ही नाइस है, मैं आपकी शॉप की इंट्रोडक्शन, ओनर बहुत अच्छे, ओनर पर भी आएंगे। यहाँ पर आपके अलावा पांच और स्किल की कौन सी डिमांड है, जैसे कंस्ट्रक्शन की होगी, चलो आपकी तो सुपर मार्केट की है ना, इसके अलावा किसकी डिमांड है? जैसे यहाँ पे वेजी में हो जाता है लड़के की, हाँ ये जो मुर्गी सब्जियों को मेंटेन कर यहाँ पे बैठे हैं वेजी को, हाँ फ्रूट्स की अलग से होती है यहाँ, और इंडियन ग्रोसरी जैसे नट्स वगैरह हो गए, मसाले हो गए अपने, हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सब, फीजी और इंडिया का ए टू जेड सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ओके तो अपार्टमेंट का अलग अलग लगे, और कंस्ट्रक्शन की भी डिमांड होगी, यहाँ पर डिलीवरी बॉय की ना, और स्किल्स की भी डिमांड है ना। क्या यहाँ पर टूरिस्ट वर्क में कन्वर्ट है, सुना है मैंने, हो जाता है, आपने सुना है? हाँ हो जाता है, अगर कोई यहाँ पे कोई किसी को स्पॉन्सर देता है, क्रेडिट कंपनी वाला कोई किसी को स्पॉन्सर करता है कि मुझे जरूरत है यहाँ पे वर्कर की, हाँ तो हो जाता है, हो जाता है। लोग आपको इंडिया में देख रहे हैं, जैसे आप जैसे मेन तीन लड़के लड़कियाँ हैं जो दोनों की तरह, उनको बाहर आना चाहिए? मैं तो खुद लंदन रहता हूँ, मैं तो कहना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ पे बेरोजगारी है तो बिल्कुल आना चाहिए। ओके okay. लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब डन करते हैं सर की मैम की तरफ। मैम आप भी हरियाणा से पूछूंगा, आप यहाँ पर कैशियर काम करती, कैसी जॉब, इजी लड़कियों के लिए जॉब पता? बहुत मतलब इजी भी है और बहुत ही अच्छी है, मतलब लड़की वो ये है कि अगर इंडिया में वहाँ पे नहीं कर पा रही कुछ तो यहाँ पे आके कर सकते हैं जॉब, तो ये एक लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा मतलब एक आपने जॉब पहले सर के थ्रू आपको मिली होगी, बिकॉज डिपेंडेंट तो फुल टाइम काम कर सकता है यहाँ पर, ये तो लॉ है, डिपेंडेंट को भी वर्क वीजा जरूरत नहीं, तो आपको जब सर ने लगाई कि आपने खुद ही ढूंढ ली थी वर्क, इकट्ठे काम करते, बिकॉज मेरे दोनों इकट्ठे काम करते हैं। हम इकट्ठे ही जाते थे जब भी मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो इकट्ठे ही जाते थे, बट यहाँ पे ये पहले आए थे, पहले आए थे। और आपकी जॉब क्या, कैशियर पर टिल पर लोगों से सामान लेना है, स्कैन करना है, इजी जॉब है आपकी, मिल गया ऐसे ऐसे। और आपकी रफली 1-2 लाख बन जाते होंगे ना इंडिया रुपीज में, वाइज एक ही 2-3 लाख सर कमाते हैं 1-2 लाख, पर मेहनत है, मैं ये नहीं कहूंगा, देखो सेफ्टी शूज भी पहनने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, मेहनत तो देखो है हर काम में। और यही लड़का जो इंडिया 50,000 कमाता था सुपर काम में, आज अपनी वाइफ को लेकर या 5-6 लाख कमाता है, पर आई एम वेरी मच हैप्पी। और आप खुश हो डिसीजन से मैम? बहुत खुश हैं हम। क्या ये कंट्री लड़कियों के लिए सेफ है? लड़कियों के लिए पूछ रहे हैं, लड़कियां जो आपको देख रहे हैं सेफ है उनके लिए? सेफ है लड़कियों के लिए, मैं बहुत अच्छी है, मतलब बॉयज गर्ल्स बहुत दोनों के लिए अच्छी है, इक्वल रखा हुआ है, इक्वल ही है सबके लिए। तो चलो आई एम सो हैप्पी, आप दोनों को आई विश यू वेरी वेरी गुड लक, एंड थैंक यू वेरी सर आपका टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।